तो दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका पेमेंट फेल्ड हो चुकी है गूगल पे में या फिर फोन पे में, तो उसका पैसा आप कैसे वापस ले सकते हैं। और आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा कि किन किन कारणों की वजह से पेमेंट फेल हो सकती है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं टेक्नो पाठशाला। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप जो भी पेमेंट करते हैं यूपीआई के थ्रू या फिर गूगल पे फोन पे के थ्रू, तो वो पेमेंट क्यों फेल हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको रीजन बता दूं, यहां पे कई सारे रीजन हो सकते हैं जिसके कारण आपकी पेमेंट फेल हो सकती है। सबसे बड़ा रीजन तो यही होता है कि एक्सीड ट्रांजैक्शन लिमिट। मैं आपको बता दूं, कोई भी बैंक हो वो मिनिमम 10 ट्रांजैक्शन देती है 24 घंटे के लिए, ठीक है ना। 10 ट्रांजैक्शन से ज्यादा अगर आप ज्यादा लिमिट 11वीं ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पर एक वैलिड रीजन बनता है कि आपकी ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाएगी। तो अगर आपने 10 से ज्यादा ट्रांजैक्शन कर ली है एक दिन में तो आपकी पेमेंट फेल हो जाएगी। दूसरा फेल होने का कारण होता है यूपीआई पिन करेक्ट नहीं डालना। मान लो आपने कोई पेमेंट कर रहे हैं और आपने अचानक दो बार ही मिनिमम यूपीआई पिन करेक्ट डाल दिया, तो वहां पर भी पेमेंट फेल्ड का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तीसरा जो कारण आता है पेमेंट फेल का, वो आता है इनसफिशियंट बैलेंस। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे बैंक अकाउंट में बैलेंस तो अपन मानते हैं कि हाँ है, तो फिर क्या होता है अपन को पता नहीं रहता है कि इतना बैलेंस है, हम उतनी पेमेंट कर देते हैं, तो वो भी पेमेंट फेल होने का कारण होता है। चौथा कारण आता है कि अगर आप हाल ही में गूगल पे बनाए आपने या फिर फोन पे बनाए, तो आप एक दिन में 5,000 रुपये से ज़्यादा भेज नहीं सकते हैं। ये गूगल की या फिर फोन पे की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो जब तक आपका अकाउंट थोड़ा पुराना होना हो जाए तब तक आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। पांचवा जो कारण आता है पेमेंट फेल्ड का, वो होता है अपने, मान लो जिसे अपने पैसे भेजे हैं आपने, तो उसकी ही आपने डिटेल्स गलत डाल दी, क्या पता अकाउंट नंबर या फिर नेम गलत डाल दिए, तो इस कारण भी पेमेंट फेल्ड हो सकती है। चलो ये तो रही पेमेंट फेल्ड होने की बात। अब मेन जो टॉपिक आता है वो आता है कि क्या हमारी पेमेंट अगर फंस गई है, या फिर कह सकते हैं मैंने पेमेंट कर दी और वो सक्सेसफुल हो गई और दूसरे अकाउंट पे नहीं पहुंची, तो वो पैसा हम कैसे वापस ला सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गूगल पे के बारे में। अगर आपकी गूगल पे के थ्रू पेमेंट फंस गई है, आपने पेमेंट फेल्ड हो गई या फिर पेमेंट सक्सेसफुल हो गई दूसरे में नहीं पहुंची दूसरे के खाते में, तो इसके लिए सिंपल सा तरीका ये होता है कि गूगल कहता है 4 से 10 दिन के लिए इंतजार करिए। लेकिन कई बार क्या होता है गूगल कहता है 3 दिन के अंदर आ जाएगी। हाँ मानते हैं 3 दिन के अंदर आ जाती है, लेकिन कई बार आपको 4 से 10 दिन का भी वेट करना होता है। अगर 4 से 10 दिन के अंदर भी नहीं आती है और आपने जिस दिन की है उसके 1 घंटे के अंदर पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आती है, तो सबसे पहले आप अपने रजिस्टर्ड बैंक के कस्टमर केयर को कॉल लगाकर उस ट्रांजैक्शन आईडी के 4 डिजिट लास्ट के बता दीजिए। वो बता देगा ट्रेस करके कि कहां पे आपकी पेमेंट है और कब तक ये पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। गूगल पे पे कॉन्टैक्ट अस का ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसके थ्रू हम कस्टमर केयर से बात करके उनके पूछ सकते हैं कि कहां है हमारी पेमेंट भैया। अब बात आ जाती है फोन पे के बारे में। अगर आप फोन पे यूज करते हैं तो टू गुड, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि फोन पे में आपकी पेमेंट फेल्ड हुई है या फिर आपकी पेमेंट फेल्ड होने के बाद आपसे अकाउंट से चली गई, वहां नहीं पहुंची या फिर यहां से सक्सेस दिखा रही है नहीं पहुंची, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। जिस ट्रांजेक्शन पे आपने पेमेंट की उस ट्रांजेक्शन को खोलिए हिस्ट्री में जाकर। आप जैसे ही आप खोलेंगे नीचे स्क्रोल करेंगे वहां पर लिख के आएगा कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन। आप जैसे ही वहां पर कॉन्टैक्ट के अस पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद वहां पर आपको चैटिंग में अपनी प्रॉब्लम बतानी होगी। प्रॉब्लम बताने के बाद एक टिकट जनरेट होता है फोन पे में। टिकट को जैसे ही आप खोलेंगे अप्लाई करेंगे उसके थ्रू आपको कस्टमर केयर का नंबर मिल जाएगा जहां से आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के बाद वो आपकी 100% प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ था और ये मैंने करके देखा और वैलिड प्रूफ है, अच्छी तरह काम करता है। अगर आपका फोन पे में हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, गूगल पे में हुआ है तो भी थोड़े दिन लग सकते हैं, आपका पेमेंट कहीं नहीं जाने वाला है। तो ये कुछ तरीके थे जिसके जरिए आप पेमेंट वापस ला सकते हैं। इवन आप कैसे मतलब ये ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाती है ये भी आपको पता चल गया होता है, बताइए मुझे कमेंट्स में कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर आपको आपके साथ किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो बताइए मुझे कमेंट्स में, और क्या क्या प्रॉब्लम है ये भी बता दीजिए, मैं शायद वीडियो बना दूंगा। तो बताइए कमेंट्स में कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कल मिलते हैं।